टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। वाह, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। शिक्षा नीति, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको तोहफा दिया है, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री के नाते, मेरी सरकार के मुखिया जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी मेहरबानी से शिक्षा विभाग में 2.5 साल से सुधार हो रहे हैं, मैं समझता हूँ हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, उनका साधुवाद। मेरे में अकेले में कोई ताकत नहीं होती, चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री हो, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं समझते कि मैं इन शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कैसे करूं, तो ये संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कम से कम 20 मीटिंगें हमारी ली होंगी इस 2.5 साल में। कोई भी मुख्यमंत्री एक विभाग की इतनी समीक्षा बैठक नहीं लेता। जब भी हमने उनसे आग्रह किया, चला करके मंत्री कह रहा है कि समीक्षा कीजिए, जबकि पहले ऐसा होता नहीं था। और मुझे पता था कि मैं समीक्षा कराऊंगा, कमियां निकलेंगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वो काम आपके लिए करवा दूंगा। तो जब जब भी चाहे इंग्लिश मीडियम की बात हो, चाहे शिक्षकों के जो ज्यादा से ज्यादा उनको पारितोषिक देने की बात हो, चाहे समय सारणी आपकी जो डिमांड थी उसको ठीक करने की बात हो, चाहे नई स्कूलें इतनी बड़ी संख्या में खोलने की बात हो, चाहे शिक्षकों की अनेकों समस्याएं जो थी उसके लिए बात हो, मैं समझता हूँ ट्रांसफर भी कल परसों हमने कहा साहब एक बार और दे दो, हमें तो तकलीफ आएगी, लेकिन कुछ लोगों की सेकंड ग्रेड के भी ट्रांसफर नहीं हो सके, थर्ड ग्रेड के लिए भी हम देख रहे हैं कैसे क्या हम उसको अंजाम दे सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा हमारे अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस वर्ग को जो राहत हमारी सरकार दे सकती है वो राहत हम 100% प्रदान करेंगे, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मेहरबानी के कारण से, राजस्थान की जनता के कारण से हम लोग सरकार में हैं। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण से हुआ है, उनकी शिक्षकों के प्रति जो गहरी उनके आस्था है। वो हमेशा कहते हैं कि माँ बाप की जगह शिक्षक होती है, बच्चे को संवारता है। तो समझता हूँ कि जो सोच उनकी है काम करने की है, मुझे जब शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया तो पहला कोटेशन मुझे याद है कि यार पिछली सरकार जब थी 8 से 13, उससे पहले वाली फर्स्ट टाइम मैं बना था, तो बोले मैंने थोड़े से अनुशासन के हिसाब से कड़े फैसले ले लिए और कर्मचारियों ने अगले चुनाव में उसका हिसाब सूटता कर दिया। तो अब की बार बोले ऐसा फैसला करो कि वो वापिस प्लस आ जाए और दोबारा हमारी सरकार रिपीट हो जाए। उनके बिना मुझे एक बात है, मैं मास्टर को देखता हूँ, मेरे घराली जी मास्टर, मेरे घर कैसे मास्टर है, ये आंगन में से ही कोरी है, छोटी सी बात मेर और कोई गड़बड़ सड़बड़ मत कर दे, अब कहा तो करियो पर अब कहा यहाँ को नहीं करियो। अब थाकी जिम्मेदारी है, अच्छी शिक्षा को स्तर सुधारो, बच्चा कोरोना के कारण से जगह परेशान है, पानी ज्यादा से ज्यादा, चाहे घरों पढ़ाना पड़े, ऑनलाइन की व्यवस्था करनी पड़े, जो विकलांग हैं, ऐसा है, उन बच्चों को हम कैसी मदद करें, क्योंकि शिक्षक का एक ऐसा पद होता है कि वो माँ बाप अपने से भी ज्यादा आशा करती है कि एक शिक्षक है वो मेरे बच्चे का भविष्य सुधार दे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं समझता हूँ हम लोग, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे तमाम नेता, हम सब आपकी किसी भी समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे उसके समाधान के लिए। आप लोग
हम तो इतनी अपेक्षा करते हैं, वोट की बात हम नहीं करते हैं। वोट की बात करना बेमानी है। अगर किसी को कुछ देख करके अपना निजी स्वार्थ साधता है तो वो व्यक्ति ठीक नहीं होता है। मैं तो आपसे इतनी आशा करूंगा कि जो गरीब का बेटा बेटी अपने स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है उसको ये महसूस करा दो कि प्राइवेट से ज्यादा हम लोग सरकारी के अंदर अच्छी व्यवस्था करेंगे। बाकी आपका जो फैकल्टी का स्टाफिंग पैटर्न है वो भी हम जल्दी इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे, वो भी हम लोग कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो काम कर सकते हो कर दो, किसी का कोई काम बाकी रहना नहीं चाहिए। इतनी छूट देने वाला मुख्यमंत्री पहली बार मिला है कि इतनी शानदार तरीके से। मैं तो गदगद हूँ कि मैं एक शिक्षक का बेटा शिक्षा मंत्री बना और मुझे अशोक गहलोत जी जैसे मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला। उनका हमारे नेता के रूप में उन्होंने हमेशा संबल देने का काम किया। मुझे 2.5 साल में एक दिन याद नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा डोटासरा जी ये क्या हो रहा है या ये क्या कर रहा है। इतना बड़ा फैसला लेते वक्त भी उन्होंने अपने अधिकारियों को यही कहा कि शिक्षा मंत्री जी को पूछ लो, वो सब समझते हैं शिक्षा में, उनको ठीक लग रहा है तो आप कैबिनेट में ले आओ, और कैबिनेट का एजेंडा नहीं होते हुए भी टेबल एजेंडा करके और आपका ये काम करते हैं। कोई बात में थोड़ी लंबी तारीख का याद रखनी है। बाकी सब लोगों को अगर फिर भी किसी भी शिक्षक के समुदाय में कोई भी प्रॉब्लम रह गई आप आराम से समय लेकर के 5 आदमी आओ, हमको बताओ, हम मुख्यमंत्री जी से जरूरत पड़ेगी तो वहां बात कर लेंगे। विधानसभा में हमारे पूर्णिया साहब ये याद दिलाते हैं कि साहब ये और रह गया है ना, जैसे आपको नेट पैड नहीं छपाना तो इनको बोलने के लिए भी तो कोई मौका देना पड़ेगा ना, इनकी आवाज दूर तक जाती है, पीछे भी कोई ज्यादा चुभती है। और ये तो देखो सुनो मेरी बात, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि RSS जैसी संस्था जिस प्रकार के कुकृत्यों में लिप्त है और वो लोग कहीं सत्ता चला रहे हैं पर्दे के पीछे, उनको आना चाहिए राजनीति में भाग लेना चाहिए। अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो राजनीति में भाग लेके वोट लें और वोट लेकर के करने। अब आप बताइए, दो मुलजिम है, एक मुलजिम पकड़ा गया, एक मुलजिम अभी भी भागे फिर रहा, तो क्या बात है? ये न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लोगों को ये लगना चाहिए कि नहीं यार हमारे साथ में लड़के तो कैसे कैसे कमीशन मांग रहे हैं, इनको थोड़ी बहुत की शर्म नहीं आई? 20-20 करोड़ रुपए का ओपन तो फिर भी कह रहे हैं हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। कौन कर रहा है आपके खिलाफ षड्यंत्र? कोई नहीं कर रहा षड्यंत्र, कानून का राज है, कानून के हिसाब से काम करेगा। आज देखा आपने जो IT मंत्री नए बने हैं उन्होंने बनते ही कह दिया हमारे देश में हमारे देश का कानून चलना चाहिए, कोई विदेशी कंपनी हो चाहे कोई भी हो, इसका मतलब कानून का राज चाहते हैं। और यहाँ कानून का राज नहीं चाहते कि साहब हमारे साथ में गलत हो रहा, क्यों हो रहा उनके साथ में? इस सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। मैं कोई पॉलिटिकल मंच भी नहीं है, बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है, सबको साथ लेकर के चल रही है, कानून व्यवस्था बताने का काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम कर रही है। और यही हमारी पूंजी है, यही हमारी कि आप सब लोगों को धन्यवाद, आप आए आते रहा करो, लेटर पैड भी कौन छुपा और माने भी भूल जाओ, लेटर पैड भी कौन छुपा और माने भी भूल जाओ, काम नहीं जाएगा ऐसा कर दीजिए, पुरानी पेंशन पद्धति लागू करो मत कर दो। मैं चीजा कानून से आई भी चीज है, कानून का मायने है, मांग ऐसी हो आपको लगना चाहिए कि ये राजस्थान सरकार के हित की चीज है, ये कर देगी और हमारे हित में है और शिक्षक के साथ साथ छात्र हित में भी है। आप मांग करो, हमें कोई तकलीफ नहीं, समझे बात को? लेकिन तो चीज हमारे बस में नहीं है वो। और देखो ये एक बात और करूं तो लास्ट में थोड़ी सी कड़वी है, नाराज मत हो, तनख्वाह बढ़ा वाली मांगा कम करो, मेरी बात हो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो शिक्षक का महत्व, शिक्षक का पद, शिक्षक की गरिमा बहुत ऊपर है। एक बार ये पुरस्कार शिक्षक संगठन वाले मेरे पास आए थे, मैंने उस दिन भी बात
कहते गुरुदस तो ले रहा और क्या मानव फ्री में क्लास दे दो मानव वो दे दो आप ठीक है लेकिन सा कहिए कि योजना ले रहा हूँ कि साहब माने बहुत नॉलेज है मैं बहुत अच्छा विद्वान हूँ माने राष्ट्रपति राज्यपाल पुरस्कृत कराया शिक्षा विभाग के ढांचे को गरीब के बेटे को शिक्षा अच्छी देने के लिए ये हमारे पास में सुझाव है इसको आप लोग सरकार में तो अलगा जगमोहन जी ले रहा हो ना जना शिक्षा विभाग में आप बच्चा ने पढ़ावा के लिए बाल अच्छी शिक्षा देवा के लिए ठाके कहने को ठोस कोई कार्य योजना हुए पाल ले रहा हो फिर देखो ठाकुर नेकरा स्वागत है मारो करो इसलिए अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो ही कोरोना का ये गाइडलाइन वगैरह चेंज हो जाएगी उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग आभार और अभिनंदन करेंगे आपका जोश जो है वो देखिए बनता है मैं मुख्यमंत्री जी को आपकी भावनाओं से अवगत करा दूंगा हम सब लोग अवगत करा देंगे वो भी अंदर बहुत खुश है कि यार ठीक है शिक्षक अगर सही तरीके से सम्मानित हो रहा है और उसकी समस्याओं का समाधान हो रहा है तो हमारा समाज में मैसेज भी अच्छा जाता है और जिस गरीब के बेटे और बेटी को शिक्षा मिलती है अगर वो टीचर ढंग से पढ़ाता है अपने स्वस्थ मन से तो उससे हमारे लोगों को लाभ भी मिलता है तो ये अंतिम कड़ी जो हमारा बच्चा है जो जिसको हमको शिक्षित करना हमारा उद्देश्य है वो अगर ठीक तरीके से शिक्षित होगा संस्कारित होगा अच्छा आगे बढ़ेगा तब जा कर के हमारा एक तरीके से अभिनंदन सरकार हो चाहे शिक्षकों उसका होगा आप सब लोग पधारे आपने स्वागत किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।